कोई कुछ कहेगा, कुछ कुछ कहेगा। अभी चुनाव आप साथ में लड़िएगा, लेकिन ये सरकार चलेगी नहीं ना? सरकार नहीं चलेगी, कोई कीमत पर नहीं चलेगी। कहा देखिए, ममता बनर्जी अभी यहाँ कह देगी, लेकिन ममता बनर्जी कब पलट जाएगी? कोई भरोसा नहीं, बोलेगी हमको पीएम बनाओ। अच्छा, पलट भी सकती है? क्यों नहीं पलटेगी भाई, उसको सोचेगी कि मुख्यमंत्री से अच्छा है कि हम पीएम बन जाए। व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन जिस पार्टी के साथ गए हैं उनका मान लीजिए कि 50% वैल्यू गिर गया है। वैल्यू देखिए, मतलब वैल्यू नहीं बचा नीतीश कुमार का। वेट जो इनका था फर्स्ट में, जो ये मुख्यमंत्री बने थे, ये लगता था कि भारत में नंबर वन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज के डेट में इनका 50% वैल्यू जो है वो गिर गया है। कारण क्या है? ये दबाव में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने के लिए, मजबूत करने के लिए देश भर में तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीते दिनों, कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव से और ममता बनर्जी से भी मुलाकात की है। क्या अब लोग उन्हें पीएम कैंडिडेट मानते हैं? जो आम लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? इस वक्त मैं पटना जंक्शन के पास मौजूद हूँ, लोगों से जानते हैं। नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को मजबूत करने में लगे हुए, क्या आप पीएम कैंडिडेट के रूप में उन्हें देखते हैं, पीएम चेहरे के तौर पे? देखिए, पीएम चेहरा हो चाहे नीतीश बाबू, मान लीजिए कि मोदी के खिलाफ अपना मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, ये उनका माने कि सब कुछ है इसमें। अब नीतीश कुमार पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 50 गो पार्टी मिल के कोई कुछ कहेगा, कुछ कुछ कहेगा। अभी चुनाव आप साथ में लड़िएगा, लेकिन ये सरकार चलेगी नहीं ना? सरकार नहीं चलेगी, कोई कीमत पर नहीं चलेगी। कारण क्या है कि सब बोलेगा कि हम बनेंगे तो हमारे पार्टी का बनेगा, तो हमारे पार्टी का बनेगा, ये चलेगा नहीं। बाकी आप एकजुटता कर चुनाव लड़ सकते हैं। करने के लिए तो लगातार नीतीश कुमार लगे हुए हैं ना, देश भर में घूम रहे हैं। एक में चुने लगे हुए हैं, लेकिन हुआ नहीं है। फायदा मिलेगा? उम्मीद कम है कि माने एकजुट कर सकते हैं, और कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आज के दिन से मिल रहे हैं ममता बनर्जी से मिल रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी अभी यहाँ कह देगी, लेकिन ममता बनर्जी कब पलट जाएगी? कोई भरोसा नहीं, बोलेगी हमको पीएम बनाओ। अच्छा, पलट भी सकती है? क्यों नहीं पलटेगी भाई, उसको सोचेगी कि मुख्यमंत्री से अच्छा है कि हम पीएम बन जाए। लेकिन 100 बात की एक ही जवाब है कि अभी मोदी का कोई तोड़ है नहीं। आप बताइए, क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में बनना दिखना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी जो मीडिया है, जो भी जो बिहार है ना, तो प्रधानमंत्री अभी वक्त है और उस समय वक्त बताएगा कि जनता किसे वोट देगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अभी कहना है, अभी उचित नहीं है। अच्छा, उचित नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार देश भर में यात्रा कर रहे हैं, विपक्ष को मजबूत करने में लगे हुए हैं, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या इसका फायदा उनको मिलेगा? अब तो हमको तो लग रहा है कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, क्योंकि जिस समय 2014 में मोदी जी आए थे, आपका कांग्रेस 70 साल राज किया, उसके अगेंस्ट मोदी जी आए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब अभी महंगाई से त्रस्त हैं, ठीक है। तो अब वो समय का तकाजा देखिए कि उस समय क्या होने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, और उससे पता चलेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आप कहाँ, बिहार से हैं या बाहर से? मैं बिहार से ही हूँ। क्या मतलब बिहारी होने के नाते नीतीश कुमार को आप पसंद करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं पसंद करेंगे, बिल्कुल पसंद करेंगे हम, बिहार के तो क्यों नहीं पसंद करेंगे। नीतीश कुमार व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन जिस पार्टी के साथ गए हैं उनका मान लीजिए कि 50% वैल्यू गिर गया है। सच्चाई यही है, इसलिए ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अब बहुत बिहार का माने कि तरक्की किए हैं, इसमें नो डाउट है कि नहीं किए हैं, बिहार को बहुत प्रगति किए हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये जो बार बार कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ में, इनका वैल्यू गिर गया। अभी जिसके साथ में है ये, अभी मान लीजिए कि फिलहाल जिसके साथ में है ये सरकार में, आप उठा कर अभी नजर देख लीजिए क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। वैल्यू देखिए, मतलब वैल्यू नहीं बचा नीतीश कुमार का। वेट जो इनका था फर्स्ट में, जो ये मुख्यमंत्री बने थे, ये लगता था कि भारत में नंबर वन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज के डेट में इनका 50% वैल्यू जो है वो गिर गया है। कारण क्या है? ये दबाव में काम कर रहे हैं। नीतीश बाबू दबाव में काम नहीं करते हैं, जब नीतीश बाबू दबाव में नहीं काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं। अब मान लीजिए जब दबाव में काम करेंगे तो भाई उनका सुनना पड़ेगा आपको, भाजपा के साथ में थे तो आप सुनते नहीं थे, मान लीजिए अपना मन से काम किए हैं, आप जितना दिन भी रहे हैं भाजपा के साथ में मन से काम किए हैं,
लेकिन आज के डेट में आप मन से काम नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, क्या लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? युवा है, युवा होने के नाते क्या सोचते हैं आप? हम लोग तो बीजेपी के सपोर्ट करते हैं। किसको? बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो क्या बीजेपी में नरेंद्र मोदी कैंडिडेट है, क्या नीतीश कुमार टक्कर दे पाएंगे उनको? बिल्कुल नहीं, टक्कर नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। देश में जो घूम रहे लगातार, क्या इसका फायदा उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, ओनली फॉर बीजेपी। सिर्फ बीजेपी? जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी। नीतीश कुमार क्या टक्कर नहीं देंगे? नहीं नहीं, कोई विपक्ष को मजबूत करने में तो लगे हुए हैं। कुछ नहीं होगा उनसे, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, कुछ नहीं होगा उनसे। घूमते हैं घूमने दीजिए, घूमते हैं घूमने दीजिए। हाँ, क्योंकि विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्ष का साथ मिल रहा है। कोई के साथ घूमे, बाकी कोई वैल्यू नहीं होगा। कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, मतलब मोदी का टक्कर? मोदी का टक्कर अभी कोई नहीं, अभी कोई नहीं है जी, अभी कोई नहीं है। आप हवा को मान लीजिए नहीं घुमा सकते है ना, आंधी बह रहा है तो बिना काम करेगा उसमें? तो मोदी आंधी है, उसके सामने कोई नहीं। देखिए, महंगाई है ये सच्चाई है, महंगाई है ये सच्चाई है, लेकिन जो आज के डेट में आपका नीति है, विदेश नीति, इसके जैसा कोई मजबूत न किया है न करेगा कभी। आप बताइए बाबा, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार घूम रहे हैं देश भर में, विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या पीएम के रूप में देखना चाहेंगे? सुनिए, अभी तक ये मुख्यमंत्री है और 9 बार पार्टी बदले, पैखाना के दरवाजे से आए कि जनता के वोट से मुख्यमंत्री बने, ये बताइए आप। पैखाने के दरवाजे से ना मुख्यमंत्री बने, 9 बार पार्टी बदले हैं। देहात में जो 7 औरत घर से निकल जाती है 7 बार, उसको सतभत्री कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा? ये खाली इसको चेयर चाहिए, आराम चाहिए। तो मतलब अभी बिहार के मुखिया हैं, अब देश के मुखिया बनने के सपने देख रहे हैं, क्या बन पाएंगे? ये 7 जन्म में नहीं बनेगा, आई जानते हैं। फिर क्या होगा जो सुन लीजिए, मोदी को अगर बीजेपी को 10-12 गो 20 गो घटेगा तो जैसे मुर्गी का पंख नोच दीजिए, दादा दिखाइए ना, तो मुर्गी पीछे पीछे दौड़ेगा। इसी तरह से फिर वो जाके कहेगा कि हुजूर माए बाप बीजेपी में मंत्री होंगे, देख लीजिएगा। मतलब जो सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा नहीं होगा? अरे 7 जन्म में इसका पूरा नहीं होगा। चलिए, आप बताइए, क्या लगता है कि नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से घूम रहे हैं, क्या पीएम बन पाएंगे? देखिए, अभी तो टाइम है, इसमें दो साल अभी बच रहा है, 1 साल बचा हुआ, अगले साल चुनाव है, लेकिन विपक्ष को मजबूत करने में लगातार लगे हुए, विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, नहीं कोई चांस नहीं, उम्मीद नहीं है। 24 तक काफी ज्यादा आक्रोशित है, काफी ज्यादा गुस्सा लगता है नीतीश कुमार के प्रति आपको? नीतीश कुमार का जो भी प्रशासनिक व्यवस्था, कोई पदाधिकारी इनका बात नहीं सुनता है, सब अपना अपना मुद्रा मोचन में लगा हुआ है, सब मुद्रा मोचन में लगा हुआ। हम आपको दिखा दे कागज, 6 महीना हो गया चिरकुट फाइल किए हुए, असला SDO ऑफिस एक रजनीकांत पेशकार है जो 2.5-2.5 लाख रुपया लेकर के इनके खिलाफ फैसला दे। बिहार में भी नीतीश कुमार का नहीं चल रहा है? नहीं जी, कुछ नहीं। और भी लोग इन सब से भी जानने की कोशिश करते हैं, लगातार नीतीश कुमार जो विपक्ष को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्ष को मजबूत करने में लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिले विपक्ष के, क्या लगता है पीएम बन पाएंगे नीतीश कुमार? स्वाभाविक है, जो संघर्ष करेगा जनता को अपने तरफ आकर्षित करेगा, अगर इनमें बुद्धि विवेक होगा जनता को अपने तरफ करने में, तो मोदी जी को हटा सकते हैं। हटा सकते हैं बिल्कुल। इस बार मैं जो समझ रहा हूँ, विपक्ष इस बार सत्ता में आ रहा है जी, विपक्ष सत्ता में आ रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री के रूप में किसका मुखौटा आएगा, ये अलग बात है। मतलब नीतीश कुमार को आप देखना चाहेंगे पीएम कैंडिडेट के रूप में, इस तरीके से लगातार वो घूम रहे हैं अभी देश भर में, जी, जी। तो क्या अपने आप को तो पीएम के रूप में दिखाने नहीं, मैं पूरे विपक्ष को एक मानता हूँ। अच्छा, चेहरा किसी का भी हो, सत्ता में विपक्ष मतलब आना चाहिए। बीजेपी बनाम विपक्ष को जोड़ रहे जी हैं। जी, मैं डेमोक्रेसी का लोकतंत्र है ये, 10 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से नीतीश कुमार इन दिनों बिहार के जो मुखिया हैं वो देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं,
पटना जंक्शन के पास में मौजूद था, जहां पे आम लोगों से यह विचार राय लेने की कोशिश कर रहे थे, क्या नीतीश कुमार को इसका फायदा मिलने वाला, जिस तरीके से वो घूम रहे हैं अखिलेश यादव से, राहुल गांधी से, ममता बनर्जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या अपने आप को पीएम कैंडिडेट के रूप में स्थापित कर पाएंगे। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या लगता है कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।